चलिए अनिल जी, हम ये 13 सीटों पे जो मतदान हो रहा है उस पर एक बार बात करते हैं। पाली की मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूंगी, यहाँ से कौन जीतेगा? बद्रीराम जाखंड मैदान में है और वहीं भाजपा से पीपी चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सामने हैं, क्या टक्कर मानते हैं यहाँ पर आप? बद्रीराम जाखड़ एक बार सांसद रहे थे पाली से, उससे पहले जोधपुर से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, फिर पाली से सांसद बने। उसके बाद उनकी बेटी मुनि देवी गोदारा ने पिछली बार चुनाव लड़ा पीपी चौधरी सामने, तो वो चुनाव हार गई 4 लाख वोट से जी। पीपी चौधरी बिल्कुल नए सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए आए थे चुनाव लड़ने के लिए, पर वो सीरवी थे और सीरवी वोट पाली में बहुत ज़्यादा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि पीपी चौधरी का जो आत्मविश्वास था कितना गजब था कि टिकट मिलने के एक महीने पहले वो हमारे दफ्तर में आए थे और हमको कह के गए थे कि मेरे को पाली से टिकट मिलेगा और मैं पाली से सांसद बनूंगा एक महीने पहले। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप कौन, मैं जानता नहीं था। तो कोई बम्बई से मेरे पत्रकार मित्र साथ आए थे उनको लेके, जो पाली के ही हैं, पाली जालौर के हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पीपी चौधरी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, पाली जिले के रहने वाले हैं, सिरवी हैं और ये चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर एक महीने पहले टिकट बटनेंगे। फाइनली उनको टिकट मिला। जब प्रचार चल रहा था तो मेरे को एक बार पाली जाने का मौका मिला, तो मैं उनसे टूरिस्ट बंगलो मिला, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे से पूछा कितने वोट से जाएंगे। तो मैंने कहा साहब जीत तो आपकी लग रही है पर 2-1 लाख। अनिल जी लिख लेना 4 लाख वोट से जीतूंगा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा। और वो 3,99,000 वोट से जीते। तो मैंने कहा था कि नहीं साहब 4 से नहीं जीतोगे, मेरी बात यूँ तो सच हो गई जी कि 1,000 वोट कम आए पर बिल्कुल मार्जिन पर, पर वो 3,99,000 4 लाख ही होते हैं। बिल्कुल राजनीति में 3,99,000 91 वोट थे उनके जी, 909 वोट कम रहे, 4 लाख ही वोट, तो 4 लाख हो गए। तो इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने चुनाव लड़ा और केंद्रीय मंत्री बने। 5 साल में मैंने देखा उनका हर शनिवार को शुक्रवार को उनका प्रोग्राम आता है इलाके का, और हर शनिवार इतवार वो अपने इलाके में दौरा करते, गांव, मौत मरगत में जाते, ब्याह शादी में जाते। उस व्यक्ति ने 5 साल में पीछा नहीं छोड़ा अपने इलाके का, चाहे केंद्र में मंत्री बन गया हो। और सीरवी वोट है वहां पे काफी, 3-3.5 लाख होंगे मेरे। बहुत बड़ा वर्ग है। अब बद्रीलाल राम जाखड़ की बात यह है कि वो 2 विधानसभा क्षेत्र उधर से जोधपुर से कटके इधर आ गए थे जी। पाली ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जहाँ पहले लोकसभा क्षेत्र चुनाव में तो शायद एक अजीत सिंह जीते थे, राजपूत रहे होंगे मेरा अंदाज, निर्दलीय। उसके बाद कांग्रेस से हरीश चंद माथुर जीते, उसके बाद से अब तक कुल 11 बार जैन जीता वहां से जी। पुष्प जैन समाज का व्यक्ति, पुष्प जैन गुमानमल लोढ़ा जी बहुत लंबे समय तक, मूलचंद डागा जी 3 बार सांसद रहे वहां से, वही मूलचंद डागा प्रसिद्ध जिन्होंने सांसद रहते हुए वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा हार गए, वो मूलचंद डागा 3 बार सांसद रहे वहां से जी। अमृत नाहटा भी 1 बार सांसद रहे 77 में। अमृत नाहटा पहले 71 में कांग्रेस से सांसद थे बाड़मेर से, जिन्होंने भैरव सिंह शेखावत को हराया था, पर 77 में उन्होंने आके चुनाव लड़ा पाली से और वो भी चुनाव जीत गए। गुमानमल लोढ़ा भी 3 बार सांसद रहे मेरे ख्याल से, और गुमानमल लोढ़ा के अलावा पुष्प जैन रहे 2 बार सांसद, और 1 बार मीठालाल जैन मुंबई में रहते हैं जी, हैं बाली के लेकिन मुंबई में रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डर है, बहुत बड़ी जमीन है उन्होंने, पूरा एक नगरी बसा दिया मुंबई में, जिसमें सारे राजस्थानी रहते हैं, अरबों रुपए उन्होंने कमाए जमीन के व्यवसाय में। वो आए मीठालाल जैन कांग्रेस टिकट लेके, हेलीकॉप्टर से आए उत्तर जीत के चले गए। तो 11 बार जैन जीतने के बावजूद प्रदेश की एकमात्र स्थापित जैन सीट डिलिमिटेशन के बाद 2 विधानसभा क्षेत्र जोधपुर से जोड़ने के कारण सीरवी और जाट समाज की सीट हो गई वो। तो अब वहां पर वो जातीय समीकरण जबरदस्त है, सीरवी तो सीरवी को वोट देगा, जाट जाट को देगा, और राजपूत जाट को नहीं देते तो वो सीरवी को देने जाते हैं। जैन समाज वहां का अब लगभग काफी हद तक बीजेपी के साथ है, हालांकि केवलचंद गोलच्छा और काफी लोग कांग्रेस के हैं लेकिन वो अब प्रभावशाली नहीं रह गए, और पुष्प जैन को भले टिकट नहीं दिया गया हो लेकिन ज्ञानचंद पारक जो वहां से एमएलए लगातार 3-4 बार जी पाली शहर से, फोर्थ टर्म उनका एमएलए का है, तो वो उसकी वजह से, उनकी वजह से जैन समाज भी जुड़ा हुआ है। पुष्पेंद्र सिंह जो बाली के एमएलए जो मिनिस्टर थे पिछली बार जी, उनकी वजह से राजपूत भी कनेक्ट हो रखे हैं। तो यहाँ बीजेपी का समीकरण मुझे भारी दिखता है। सर एक गुजारिश मैं बीच में करना चाहूंगा, जैसे आपने फरमाया सिरवी वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है, दोहराया नहीं है इसमें,
माधो सिंह दीवान एक कांग्रेस के हुआ करते थे जो कि सिर्वियों के धर्मगुरु हैं और उन पर पकड़ रखते थे। कांग्रेस के पास तो सिर्वी लीडरशिप है ही नहीं, तो वो कैटर भी नहीं कर सकते किसी ना किसी तरीके की, कोई सिर्वी लीडर को ला करके कोई वोट विभाजन कर सके या कुछ कर ले। माधो सिंह दीवान बीजेपी में चले गए, वो चले गए बीजेपी में, तो पूरा का पूरा जो एक बल्क वोट है वो है वो पूरा का पूरा सिर्वी से। एक उसके अलावा एक वहां पर वोट बैंक घांची जिसे कहते हैं हम तेली समाज का, वो भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो भी पूरी तरीके से आज के वक्त के अंदर इंक्लाइंड हो चुका है बीजेपी के अंदर। अब जो बात आपने फरमाई कि ओसिया और भोपालगढ़ की सीट, जब घांची तो नरेंद्र मोदी की कास्ट की है तो वो तो स्वाभाविक तौर पर वो नहीं आ सकते। तो ओसिया और भोपालगढ़ का जब से ये दोनों विधानसभा सीटें जुड़ी हैं तब से ये जाट बाहुल कॉन्स्टिट्यूंसी जाट वर्सेस सिर्वी बनकर के रह गया है। तो जैसा आप फरमा रहे हैं कि ये फाइट जो है वो पूरी तरीके से जाट वर्सेस और सिर्वी बनकर के रह गई है। और मदन राठौड़ घांची हैं, मदन सुमेरपुर से जो एमएलए मुख्य सचेतक थे जी, अभी इस बार नहीं लड़े वो, चुनाव में टिकट नहीं मिले, लेकिन वो उनकी वजह से घांची भी कनेक्ट हुए हैं जी। और काफ़ी हद तक मतलब बीजेपी ने एक सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं अच्छी की हुई है। जयतारण में बीजेपी कमजोर हो सकती थी, राजसमंद चलेगी, लेकिन वो सीट राजसमंद में चलेगी विधानसभा क्षेत्र में।